Now, student, move to question number 5. Now, again read the question, student. Samira spent 90% of her income and donated 3% for socially useful causes. If she left with 1,750 at the end of the month, what was her actual income? Again, वैसे ही दिया है. Samira, उसका monthly expense बताया कि जितना भी उसका monthly income था, उसमें से उसने कितना spend किया है? 90% तो उसने use ही किया है. And donated, और उसमें से 3% क्या किया उसने? Donate किया है हमारे उसकी income को एक social cause के लिए, किसी अच्छे किसी fund में या किसी सोशल यूज के लिए उसने डोनेशन दिया है. कहते हैं ना बहुत सारे डोनेशन कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अर्थक्वेक उसके रिलीफ फंड के लिए जो हम डोनेट करते हैं, तो वहां पे उसने 3% अपने इनकम का डोनेशन में दिया है. तो टोटल कितना उसका, सपोज उसका अगर परसेंटेज मतलब 100 में से, अगर उसका 100% अगर 100 उसका अगर सैलरी है, तो उसमें से उसने तो 93 तो यूज ही किया है, 90 स्पेंड किया है और 3 डोनेशन दिया है. मतलब टोटल कितना यूज किया उसने? 93. तो उसका है कितना एक्चुअल? लेट समीरास मंथली या एक्चुअल इनकम बी रुपीज एक्स. इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल, जैसे हमने अभी इससे पहले किया था और निखिल, हाँ वैसे ही हमें करना है. तो वेरी सिंपल, बहुत शॉर्ट में है स्टूडेंट ये. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट लेट द एक्चुअल इनकम ऑफ समीरा बी रुपीज एक्स. Actual income of Samira B, how much student? Rupees X. ये हमें पता नहीं है, वही find करना है. Rupees X. Okay. Now, आप उसने क्या किया student? Samira's total expenditure. उसने total कितना खर्चा की है? Samira's total expenditure. How much student? कितना expend किया उसने? कितना खर्चा किया उसने? 90% use की है, 3% donation दिया. Means 90% plus 3% of total income. कितनी है उसकी? X. इसका मतलब ही क्या होता है? 93% ऑफ एक्स. उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल जो सैलरी है, एक्चुअल जो इनकम है, उसका उसने 93% यूज किया है. 90 उसमें से उसने डोनेशन, सॉरी 90 उसने एक्सपेंस खर्चा कर दिया है और 3% डोनेशन. मतलब टोटल कितना हो गया? 93. परसेंटेज मीन स्टूडेंट यस अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स. See again, 20, 2 के बाद decimal. So it become 0.93x. Now, उसके बाद again वही है student. Saving. उतना होने के बाद भी उसके पास उसने कुछ save की है. So saving of Samira. Saving of Samira. कैसे निकालते हैं saving? Actual इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर. सब हमें वी नो ऑल, राइट डाउन. हाउ मच सेविंग, कितना सेव की थी समीरा ने? यस 1750. व्हाट वाज हिज एक्चुअल इनकम? एक्स. एक्सपेंडिचर 0.93x. See, 1750 is equals to. कितना होगा स्टूडेंट? अगेन यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1. तो 1.00 माइनस 0.93. अब आपको समझ में आ गया ना स्टूडेंट कैसे करना है? 1 के बाद मैंने पॉइंट लेकर 2 डेसिमल, यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए मैंने 20 लिया है. सी अगेन कैसे?
इट बिकम 10, यहाँ पे जीरो होगा, 10 यहाँ पे दिया इट बिकम 9, और 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 9 0, 0, तो इट इज 0.07 कॉमन वेरिएबल x. देयरफॉर सी हमें सिर्फ x चाहिए, तो 1750 डिवाइडेड बाय 0.07 इज इक्वल्स टू x. सी अगेन डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, टू डिजिट हैं, तो हमें क्या करना होगा, बोथ साइड मतलब बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100. यस स्टूडेंट, एक बार आपको अगर आइडिया आ गई तो नेक्स्ट टाइम आप इजीली कर सकते हो. सी बिकॉज ऑफ दिस 100 ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, 7 के पास, तो 1750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय ओनली 7. सी 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 15, 16, 17, 3 रिमेनिंग, तो 7 फाइव जा 35, 0 एडिटिव, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू x. 1230. Therefore, x कितना आ गया, रुपीज 25,000. So what was Samira's actual income? Therefore, see student, write Samira's actual income. Samira's actual income is rupees 25,000. Is that clear student? बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे भी एक्चुअल इनकम हमको फाइंड करना है x, उसका एक्सपेंडिचर बताया है और सेविंग भी बताया है, तो सेविंग कैसे आता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. राइट डाउन, तो अगेन सेम कैलकुलेशन, सब्सट्रैक्शन रिमूव करना है, तो बोथ साइड मल्टीप्लायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 100, 100 ही क्यों, टू डिजिट है, देन ये रिमूव होगा ओनली 7, 7 से डिवाइड किया. इज दैट क्लियर? स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, वॉच द वीडियो वन मोर टाइम एंड वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्व इट इन योर नोटबुक. नाउ इसके बाद हम जो देखेंगे स्टूडेंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो आपका जो यहाँ सी हाफ चैप्टर इज डन, 6.1 ओनली टू एक्सरसाइज 6.2. अब यहाँ से हम देखेंगे स्टूडेंट एक्चुअल व्हाट इज टैक्स, टैक्स होता कैसे है, इसका कैसे इसको अप्लाई करते हैं, किस चीज पे टैक्स होगा, तो टैक्स के अलग अलग कैटेगरी है, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स एंड इट इज वेरी लिविंग ऑफ टैक्सेस और टैक्सेशन, टैक्स कैसे लगाते हैं, लिविंग ऑफ टैक्सेशन मीन्स टैक्स लगाना, किस पे टैक्स लगाते हैं और वो कैसे, क्या रूल्स हैं उसके, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.